please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भूमि के खूबसूरत पहाड़ पर बना देवी काली का अद्भुत मंदिर और हर रविवार मंदिर में देवी के प्रकट होने का दावा। हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी जो तो देख के ही पता चल सकता है। माता उनको दीवार पे लिख के बताती है कि भाई तुम्हारी ये अंदर ये दिक्कत है। बिल्कुल आपको माँ काली देखने को साक्षात दर्शन होंगे। डोली अपने आप हिलने लगती है जैसे देवी साक्षात इसमें विराजमान हो। लोगों की परेशानी बिना पूछे बताई जाने लगती है। आप तारे माता बोल रही है, शादी के मामले में मैटर माता ने लिख दिया है। जैसे देवी भक्तों का हाल पहले ही जानती हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है आपके लिए? हाँ, बोला है। माता भी वही लिख रही है दीवार में कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। बहुत से चमत्कार होने लगते हैं, कभी लोगों का मर्ज अपने आप दूर हो जाता है, तो कभी सूखे चावल में अपने आप हरियाली छा जाती है। सबसे बड़ा दावा होता है दिन के दूसरे पहर के बाद, जब मंदिर के पुजारी में साक्षात देवी प्रवेश करती है और एक सामान्य सा इंसान बाहुबली बन जाता है। आज चलते हैं देवी के उस रहस्यमय धाम में और सुलझाते हैं देवी के उस महिमा लोक की सदियों से उलझी एक हैरतअंगेज पहेली। मंदिर के पुजारी में खुद देवी का प्रवेश कर जाना, देवी की डोली का अपने आप हिलने लगना, बिना पूछे ही लोगों की बीमारियों को एक दीवार पर लिख देना, हमारी नजर में यह कुछ भी हो सकता था लेकिन चमत्कार नहीं हो सकता। लेकिन लोगों का दावा था कि आप रविवार के दिन आइए और सब कुछ अपनी आंखों से देख लीजिए। लोगों की गुजारिश पर हम उस मंदिर में पहुंचे, उन शक्तियों को महसूस किया और इन तस्वीरों को गौर से देखा और यकीन मानिए एक ऐसी कहानी लेकर लौटे जिसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा। रास्ते के हर पर्वत से ऊंचा और हर खाई से गहरा था उस धाम से जुड़ा रहस्य। हम उस सफर को जल्द से जल्द पूरा करके उस जगह पहुंचना चाहते थे जहां से जुड़े दावे ने हमें बेचैन कर दिया था। उस धाम में मां काली आती हैं, भीड़ से फरियादियों को पहचान कर अपने पास बुलाती हैं और बाकायदा लिख कर उनका इलाज करती हैं। इन दावों ने हैरत में डाल रखा था। बताया गया कि ये तो कुछ नहीं है, उस धाम में इससे भी बड़ी हैरतअंगेज घटनाएं होती हैं और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब वहां के पुजारी की ये बंद मुट्ठी खुलती है। लेकिन इन चमत्कारों को हम तभी मानेंगे जब अपनी आंखों से देखेंगे। हमारी मंजिल थी दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर टिहरी का मां कालिंका मंदिर। जब कोई घटना तथ्यों और सबूतों से जुड़कर हकीकत बनती है
तो उसे विश्वास कहते हैं। और जब कोई घटना बिना प्रमाण के आपके दिल में बैठ जाए तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस बार हम आपको दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के टिहरी जिले में लेकर आए हैं, जहां एक मंदिर को लेकर दावा किया जाता है कि यहां माँ काली आती हैं और लोगों के मुराद को पूरी करती हैं। आज विश्वास और अंधविश्वास के इसी कड़ी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उस धाम तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर कच्चे रास्ते का सफर तय करना था। पहाड़ की गहराई में उतरना खतरनाक होता है। संकरे रास्तों पर बहुत ही संभल कर चलना पड़ रहा था। थोड़ा ऊंचे, थोड़ा नीचे और थोड़े संकरे रास्तों से होते हुए हम कुछ देर बाद मां कालिंका मंदिर पहुंच गए। ये एक सामान्य मंदिर की तरह ही था। देखने से लगता नहीं था कि इतने बड़े चमत्कार का दावा यहां से जुड़ा हो सकता है। अंदर मां काली की प्रतिमा थी, लेकिन चमत्कार का दावा इस मूर्ति से नहीं बल्कि इस डोली से जुड़ा है। इस डोली में मां काली आती हैं। उनके आते ही डोली में हरकत शुरू हो जाती है। वो नृत्य करती हैं, दीवार पर लिखकर लोगों की समस्याएं बताती हैं और इलाज भी करती हैं। कुछ देर बाद इस डोली को मंदिर से बाहर निकाला जाएगा और इसी डोली में माँ काली आएंगी, उन्हें आह्वान किया जाएगा, तमाम तरह की पूजा पाठ की जाएंगी और कुछ देर बाद ठीक दिन के 12 बजे माँ काली इस डोली में आएंगी। तो हालांकि ये अभी तक पंडित जी का दावा है, हमें सब चीज़ काल्पनिक लग रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं, पूजा बढ़ेगा आगे तो देखते हैं कि माँ काली का हमें दर्शन होता है कि नहीं, अगर होता है तो किस रूप में होता है। अब वो विशेष पूजा शुरू होने वाली थी जिसमें माँ काली के प्रकट होने का दावा किया जाता है। हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। हमने डोली को एक बार फिर चारों तरफ ध्यान से देखा। अब डोली को उठाने वाले शांत खड़े हो गए और नगाड़े की थाप भी मध्यम पड़ने लगी। धीरे धीरे डोली में हरकत होने लगी। नगाड़े की आवाज भी बढ़ने लगी थी। फिर पुजारी ने लोगों को दूर हटने का इशारा किया। डोली में कंपन तेज होती जा रही थी। फिर डोली अचानक दोनों पुजारियों के कंधों पर तेज तेज उछलने लगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा। फिर डोली का ऊपरी हिस्सा आगे पीछे डोलने लगा। कुछ देर बाद डोली की हलचल तेज, बहुत तेज हो गई। हमें इशारे से बताया गया कि माँ काली अब आ चुकी है। डोली की हरकत उसी वजह से है। ये कैसे हो सकता? साफ दिख रहा था कि डोली को दोनों सिरों से पकड़े पुजारी हिला रहे थे, लेकिन मान्यता यही है कि पुजारी डोली को अपने मन से नहीं हिलाते, बल्कि माँ काली जो कहती हैं ये वही करते हैं। दावे के मुताबिक माँ काली आ चुकी थी। और अब लोग उनके शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें बताया गया कि मां काली अब लोगों की समस्याएं सुनेंगी, उनका हल बताएंगी।
लेकिन फरियादी को वो खुद चुनेंगी और उनकी समस्याएं भी खुद बताएंगी। अगर किसी ने गलत जानकारी देने की कोशिश भी की तो उसे सजा भी मिलेगी। हमारी नजर डोली की हर हरकत पर लगी थी, जो भक्तों की भीड़ की तरफ बढ़ चुकी थी। मान्यता के मुताबिक मां काली ने पहले फरियादी को चुन लिया था। डोली के मुकुट का नुकीला हिस्सा किसी डॉक्टर के हाथ की तरह चल रहा था। वहां मौजूद पुजारी ऐसा कर रहे थे मानो वो किसी से बात कर रहे हैं। लंबी बातचीत के बाद इलाज के तौर पर चावल के कुछ दाने दे दिए गए। तो माता ने बता दिया कि 21 चावल से लेपन करना है शरीर में, 11 चावल से नहाना है। अब बाकी माता ने बता दिया कि डॉक्टर से इलाज कराना है इस लड़की। इससे पहले कि हम कुछ बोलते या समझते, डोली एक बार फिर भक्तों की तरफ बढ़ी। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 शादी में कई साल हुए? 5 साल हो गए ना। तुम सब संतान लोगे ना। इस तरह भीड़ में 10 लोगों को चुन लिया गया। यहाँ पर ऐसे कई लोग मिले जिनकी इस इलाज में गहरी आस्था थी। ये सब सुनने के बाद हमने तय किया कि इलाज के इस तरीके को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तभी माजरा समझ में आएगा। पारुल को लेटने का इशारा किया गया। लेटने के बाद जांच शुरू। अचानक पारुल जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही मुंह में चावल के कुछ दाने गए, पारुल एकदम से चुप हो गई। फिर पुजारी ने डोली की तरफ इशारा किया। माता कोई ज्यादा दिक्कत है? स्वस्थ कर दे माँ, कभी तक स्वस्थ कर दे माँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है आपके लिए? हाँ, बोला है। माता भी वही लिख रही है दीवार में कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। हाँ। पारुल को गाय का गोबर और शनिवार को तेल से मालिश का इलाज बताया गया। यही बताया कि राइट चेस्ट में प्रॉब्लम है और उसका निवारण भी बताया और कहा कि आप ये इलाज करिए जो लिखा गया है, उसको ठीक से करिए और फिर दोबारा आइए। क्या भगवती जी को जो आपको जो भगत जी जो पंडित जी हैं उनको अपनी समस्या पहले बताई थी क्या? नहीं, पहले नहीं बताई थी जी। पहले यहाँ पे आके ही उन्होंने हमसे पूछा कि क्या समस्या है, तो भगवती ने बताया कि ये समस्या है। सब सही बताया? सब सही बताया। कुछ ऐसे ही दावों के साथ धाम में इलाज का दौर चलता रहा। थोड़ी देर बाद उस चमत्कार का वक्त हो गया जिसका जिक्र यहां आने वाला हर शख्स करता है। दावे के मुताबिक मां काली अब पुजारी के शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। कुछ देर बाद आसपास के दूसरे लोग भी पुजारी के साथ उछल कूद में शामिल हो गए। हमें बताया गया कि पुजारी की मुट्ठी में बंद चावल के दानों में अंकुर फूट पड़ेंगे। पुजारी ने चावल को सबको दिखाया। हमने भी ध्यान से देखा, सब कुछ सामान्य था। चावल को पहले दूध से फिर पानी से भिगोया गया, उसके बाद मुट्ठी में बंद चावल के कुछ दानों में अंकुर फूटे हुए थे, जबकि ऐसा होता नहीं।
चावल के दानों से ऐसी हरियाली नहीं निकलती। वहां मौजूद सभी लोग इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात घिरने के साथ भीड़ कम होती गई। हमारे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और सभी सवालों को कलयुग के चमत्कार का हवाला देकर टाल दिया गया। मैं कलयुग में इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे हैं, देवी देवताओं पर किसी का ध्यान नहीं है, तो माँ भगवती दिखाती कि भाई अभी भी शक्ति है, अभी भी आपको माँ भगवती या शंभू भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए और ये आपको शक्ति सामने दिख रही है। जिसे चमत्कार बताया जा रहा है उसे विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सकता था, लेकिन यहाँ बात हकीकत या फसाने की नहीं थी, बात थी सैकड़ों लोगों से जुड़ी आस्था की। इस धाम और माँ काली को लेकर पहाड़ों में काफी आस्था है और तर्कों के आधार पर इस आस्था पर सवाल खड़ा करना सही नहीं होगा, लिहाजा हमने केवल वही दिखाया जैसा कि उस धाम में सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। हमारी आज की दूसरी कहानी भी देवी के एक अद्भुत धाम से जुड़ी है, जिसका रिश्ता है इतिहास के महान योद्धा आल्हा और उदल से। ऐतिहासिक कहानियों में आल्हा और उदल का जिक्र 900 साल पुराना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाखों लोग ये मानते हैं कि आल्हा आज भी जिंदा हैं और हर सुबह मैहर देवी के मंदिर में आते हैं। शायद ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था, इसलिए हमारी टीम इस कहानी के सच को तलाशने निकल पड़ी और हमें जो कुछ भी दिखा वो हैरत में डालने वाला था। वृंदावन का एक मशहूर कृष्ण धाम निधिवन, जहां रात को दरवाजे बंद होते हैं और अगली सुबह श्री कृष्ण के श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जहां असीरगढ़ के किले में लोग हर सुबह एक फूल को अश्वत्थामा की मौजूदगी का सबूत मानते हैं। ऐसी ही एक और कहानी से हमारा फिर सामना होना था। उस मंदिर के कपाट खुलते ही अंदर की तस्वीर देखकर हम भी हैरान रह गए और आज शायद आप भी हैरान रह जाएं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों में छिपा है 900 साल पुराना एक दावा कि 12वीं शताब्दी का एक योद्धा आज भी यहां आता है। ऐतिहासिक कहानियों का एक ऐसा किरदार जिसकी वीरता के गीत आज भी गाए जाते हैं, जिसे हम और आप आल्हा के नाम से जानते हैं। इस सच की तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर और देवी शारदा के एक पवित्र धाम मैहर। क्या इस कलयुग में किसी मनुष्य को अमरता का वरदान मिल सकता है? क्या कोई शख्स 900 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम आए हैं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर मैहर में। लेकिन यहाँ हमारी तलाश है एक ऐसे शख्स की जो 900 साल से जिंदा है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है। चलिए, सफर शुरू होते ही हमें इतिहास की कई कहानियां याद आ रही थी। आल्हा और उदल 12वीं शताब्दी के चंदेल राजा परमाल के सेनापति, जिनके बाहुबल, जिनके पराक्रम की आज भी मिसाल दी जाती है। मोती को ललकारा, दुश्मन तेरा बुरा हो जाए, तूने दगा करी उदल से और भोरे में दिया गिराए, जब तक बदला नहीं ले लूंगा मेरा दाग मिटेगा ना।
लेकिन सवाल ये था कि कलयुग में किसी इंसान के अमर होने का दावा कैसे हो सकता है, क्यों इस इलाके में आज भी आल्हा की मौजूदगी के दावे हो रहे हैं। इस क्यों का यहां किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिससे पूछो बस यही कहता है कि आल्हा आज भी जिंदा है और हर सुबह मैयर देवी की पहली पूजा वही करते हैं। हकीकत तो है, हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं, असामान्य होती हैं। तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि कोई ना कोई तो आया, यहाँ दर्शन करके गया, पूजा करके गया। तो आसन में सिलवट का होना, आसन का दूसरी जगह होना, कभी कभी कुछ ऐसे फूल चढ़े हुए होना जो असामान्य होते हैं, जो यहाँ हमको आपको देखने को नहीं मिलते। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि स्वामी जी वहाँ पे गए पहला जब दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे उनको ऐसा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि माँ शारदा देवी जी की किसी ने स्नान कराया हो और बिल्कुल कमल का फूल उनके सर के ऊपर दिखा था, बिल्कुल ऐसा कि जैसे अभी कोई तोड़ के लाया हो और फूल का अर्पण उनको माँ शारदा को किया हो। तो आला है ये सबका मानना है, लाखों लोगों का मानना है, जो नहीं मान रहे हैं तो वो तो मूर्ख। कुछ और आगे बढ़े तो हमें आल्हा देव का मंदिर नजर आया, जहां के पुजारी हमें आल्हा की खड़ाऊ दिखाने लगे, जिसे देखकर ही आल्हा की विशाल काय कदकाठी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आल्हा देव की शक्ति की बात होती है, उनकी ताकत की बात होती है। सारे प्रदेश में, इस पूरे इलाके में आल्हा गाया जाता है और उनकी शक्ति का अगर मैं आपको एक छोटा सा सबूत दे सकूं तो वो है ये खड़ाऊ। ये खड़ाऊ आल्हा देव के मंदिर में रखी है और जरा इसका साइज देखिए, मेरे आधे शरीर के बराबर ये खड़ाऊ है, यानी इसको पहनने वाला कितना बड़ा उसका पैर होगा और कितना बड़ा उनका शरीर होगा। पास में ही एक तालाब भी है, तालाब के पास बाकायदा एक सरकारी बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आल्हा अमर है और इसी तालाब में स्नान के बाद आल्हा मैहर देवी के मंदिर की पहली पूजा करते हैं। इस तालाब में कमल के फूल खिलते हैं और अक्सर वही कमल के फूल देवी के चरणों में पाए जाते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये आल्हा तालाब के नाम से जाना जाता है और आपको भले ही ये एक आम तालाब लग रहा हो लेकिन जिस पानी में मैंने हाथ डाला है वो बेहद खास है, क्योंकि यही वो पानी है जिससे रोजाना सुबह आल्हा स्नान करते हैं और उसके बाद शारदा मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। अब ये चीज़ें हमको और आपको सुनने में अजीब लगे, हमें शायद भरोसा ना हो, लेकिन यहाँ पर मौजूद हर आदमी, इस पूरे इलाके के लाखों करोड़ों लोग इस मान्यता को अब से नहीं मानते बल्कि 900 साल से मानते हैं। 900 साल से आल्हा दिलों में, दिमाग में और इस पूरे इलाके में जिंदा है। इन दावों की पुष्टि के लिए हम पहुंचे मैहर कोतवाली के इंस्पेक्टर मनीष त्रिपाठी के पास, लेकिन उन जवाबों के बदले हमारा सामना कुछ नए सवालों से हुआ। मंदिर में जाके देखा गया, वहां पर कोई आदमी ना मिला था, ना घंटे सुनाई सबको दिए और आदमी कोई मिला नहीं। इसका कोई कारण, बहुत सारे मंदिर में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका कारण पुलिस नहीं ढूंढ पाती है। अच्छा, जो आल्हा को लेकर मान्यता है वहाँ तो पुलिस ड्यूटी पर रहती है, सब कुछ बंद कर देती है, तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी चढ़ जाता हो, पीछे से निकल आता हो? आज मंदिर के अंदर रात में कोई नहीं जाता, वहाँ पर जो मंदिर का गर्भगृह है और आगे पीछे के गेट आरती के पश्चात वो पूरी तरह लॉक कर दिए जाते हैं। विज्ञान और तकनीक के जमाने में यहाँ की पुलिस, पुजारी और मैहर देवी के मंदिर जाने वाला हर शख्स एक ही दावा कर रहा था कि आल्हा आज भी हैं और हर सुबह देवी की पूजा के साथ अपने सबूत छोड़कर जाते हैं। अब एक रास्ता था कि हम खुद देवी के मंदिर जाएं और सदियों पुराने उस रहस्य को अपनी आंखों से देखें। मैहर वाली शारदा, मैहर वाली शारदा, मैहर देवी माँ शारदा के सबसे पवित्र धामों में एक। रोजाना हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं और हर शख्स अपनी आंखों से आल्हा की मौजूदगी को देखने का दावा करता है।
1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु शारदा देवी मंदिर तक पहुंचते हैं। सवाल यह है कि आखिर बूढ़े बच्चे महिलाओं को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है कि वो बिना थके इतनी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। लगता है कि ये हिम्मत भी उनको आला देव से मिलती है, क्योंकि माना जाता है कि आला देव ने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी और एक भी युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। शाम ढलने वाली थी और हमें जल्दी से जल्दी मंदिर तक पहुंचना था, इसलिए हमने देवी के दरबार में पहुंचने का दूसरा रास्ता चुना, एक रोप वे जो कुछ मिनटों में ही दरबार तक पहुंचा देगा। मंदिर तक पहुंचने की बेकरारी जरूर थी, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इंसान 900 साल से जिंदा हो। शारदा देवी मंदिर में पहुंचना कितना मुश्किल है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी है। अब सवाल यह है कि अगर हम भी इतनी मुश्किल से जा रहे हैं तो रात में वो कौन है जो वहां पर आता है और मंदिर में पूजा करके चला जाता है, यही जानने के लिए हमें शारदा देवी मंदिर पहुंचना है। और आप देख सकते हैं वो दूर पहाड़ी पर हमारी मंजिल है। इन खूबसूरत नजारों के बीच वक्त तेजी से गुजर गया और हम शारदा मंदिर पहुंच गए। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं माता शारदा देवी के मंदिर के पास। इस रोपवे के जरिए हम ऊपर तक आ चुके हैं। अब हमको जाना है उस मंदिर में और जानना है 900 साल से जिंदा उस आदमी की हकीकत। आइए। शाम ढलने लगी, कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती होगी। ठीक 8 बजे दरबार के कपाट बंद हो जाएंगे और सदियों पुराने दावे के मुताबिक अगली सुबह जब दरबार खुलेगा तो आल्हा रोज की तरह अपनी मौजूदगी का नया सबूत देंगे। मैयर में शाम का झुरमुटा छा गया है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है और हम पिछले कई घंटों से इस मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर परिसर में भी अब शाम की आरती की तैयारी शुरू हो गई है, मंदिर को अंदर से साफ किया जा रहा है, यानी वो वक्त बस आने ही वाला है जिसके बाद इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और यहाँ मौजूद हर शख्स इस पहाड़ी से नीचे उतर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो मान्यता है कि यहाँ पर हर रात कोई आता है और पूजा करके जाता है वो आज की रात भी होगा? आप भी ये जानने को उत्सुक हैं और मैं भी ये जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम इस रहस्य पे से पर्दा उठाएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। इतिहास के महान योद्धा आल्हा आज भी जिंदा हैं, लाखों लोगों ने उनकी मौजूदगी को अपनी आंखों से देखा है। भरोसा नहीं होता तो मैहर देवी के मंदिर जाओ और आल्हा की मौजूदगी का सबूत अपनी आंखों से देख लो। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में हमारे सामने कुछ ऐसे ही दावे हो रहे थे। 900 साल से उलझी इस कहानी का सच तलाशने हमारी टीम भी मैहर देवी के मंदिर पहुंची। हमने तय किया कि आज मंदिर का दरवाजा हमारे कैमरे के सामने ही बंद होगा। हमारी टीम रात भर उस मंदिर में पहरा देगी और अगली सुबह उन निशानों की तफ्तीश हम खुद करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या वाकई वो आल्हा है या कोई और। शाम ढलने के बाद हम उसी मंदिर में थे। बताया गया कि कुछ ही देर में शाम की आरती शुरू होगी जिसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और अगली सुबह मंदिर में आल्हा की मौजूदगी का सबूत मिलेगा। मंदिर में अब भी लोगों की भीड़ थी, देवी के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी थी। हमने सोचा कि इससे पहले कि मंदिर बंद हो यहां के पुजारी से बातचीत कर ली जाए, शायद इस रहस्य का कोई सुराग ही मिल जाए। तो ये है माँ शारदा देवी का वो धाम जहाँ कहते हैं कि सबकी मुरादें पूरी होती हैं और देखना ये है कि आज जो हमारी इच्छा है वो पूरी होती है या नहीं। हमारे साथ सुमित महाराज हैं, यहाँ के पुजारी। सुमित जी, हमको सबसे पहले ये बताइए कि आला के बारे में जो कहा जाता है कि वो रोज़ाना यहाँ पूजा करने आते हैं, आप पुजारी हैं, आप पट बंद करते हैं खोलते हैं, क्या आपने ऐसे कोई प्रमाण कभी देखे हैं? जी हाँ, प्रमाण तो बहुत मिले हैं। इस अनुभूतियों को और इस अनुभव को किन शब्दों में कहा जाए ये तो सोचनी है, लेकिन इसमें कोई दुराहे नहीं है कि आल्हा और उधल ये दो भाई थे जिनका पीछे आज भी अखाड़ा बिना है, उन्हें अमरता का वरदान मिला है जिसे कहा जाता है कि आज भी वो माँ शारदा के शिर चरणों में आते हैं, पूजा अर्चना कर जाते हैं। हमने इन वर्षों में, आज 15-16 वर्षों में, जब भी माँ शारदा के पट खोले तो ऐसे कई अनुभूतियाँ मिली, जैसे उन्हें भोग लगा हुआ मिला, उनके चरणों में अद्भुत फूल प्राप्त हुए,
जब भी माँ शारदा की कपूर की आरती होती है, लेकिन कई बार दीपक जला हुआ और दीपक की बाती मिली, तो जिससे ये संपूर्ण तरीके से और विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा को अमरता का वरदान माँ शारदा ने दिया है। वैसे कुछ यही दावा देश के कई मंदिरों में अश्वत्थामा को लेकर भी होता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कुछ वक्त हमने खुद पड़ताल की थी और अगली सुबह हमें मंदिर में कुछ फूल भी नजर आए थे। लेकिन आल्हा की ये कहानी अश्वत्थामा के दावों से भी ज्यादा दिलचस्प थी। बुरहानपुर में हमें ऐसे कई लोग मिले थे जिन्होंने खुद अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखने का दावा किया था। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और किले पर ये प्रथा है कि रोज डेली रात में 12 से 5 के बीच में गुलाब का फूल माधव जी की पिंडी पे रख के जाते हैं। वहाँ पर अगर जैसे जाते भी है तो कई बार पाँव के निशान देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पंजे, जिससे प्रतीक होता है कि वहाँ कंटिन्यूस उसका आवागमन बिल्कुल जारी है। क्योंकि मैहर में हमें अब तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने आल्हा को देखा हो। हर तरफ सिर्फ यही दावा था कि आल्हा हवा के झोंके की तरह आते हैं, इस मंदिर में अपना सबूत छोड़ जाते हैं। खैर, सच सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती शुरू हो गई। अभी आपने देखा माँ शारदा की शयन आरती हुई है। शयन आरती होने के बाद सभी दर्शनार्थियों को दर्शन करवाने के बाद माता जी का शयन होता है। ये आप माँ के विश्राम के लिए ये पलंग लगता है। देवी के विश्राम की तैयारियां शुरू हो गईं। एक पलंग सजाया गया, मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह साफ किया गया। सारे माता जी के बर्तन वगैरह भी माता जी के अंदर ही रखे जाते हैं। सारी शयन की तैयारी करने के बाद माँ के चरणों में बस ये कुछ फूल अर्पित कर दिए जाते हैं। अब सुबह माता जी का चमत्कार जो भी होगा आप देखेंगे। अभी आप ही के सामने पट बंद कर दिए जाएंगे और आल्हा आते हैं इस बात का प्रमाण माँ शारदा सुबह में। मेन पट है, इसके बाद ये जंजीर है, ये भी गेट लगेगा और ये भी गेट लगेगा। दो मेन गेट बंद करेंगे, बाहर की भी गेट्स। शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय, शारदा मैया। कैमरे के सामने ही गर्भगृह का दरवाजा बंद हो गया, उस पर एक बड़ा सा ताला भी लगाया गया और फिर गर्भगृह के बाहर लगे उस चैनल पर भी एक ताला जड़ दिया गया। आरती हो चुकी है, शयन आरती पूरी हो चुकी है, मुझे प्रसाद भी मिल चुका है और सुमित महाराज हमारे साथ हैं। दो ताले अंदर बंद हो चुके हैं और अब तीसरा वो खुद अपने हाथों से लगा रहे हैं। सुमित जी, कुल यहाँ पर चार ताले हो गए। हाँ, चार ताले भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगी। वहाँ दो ताले हो चुके हैं और एक वो मेन गेट ताला लग चुका है और ये भी एक दो ताले यहाँ भी लगाए जाएंगे। प्लस चारों तरफ से मंदिर बंद कर दिया जाएगा। जब संध्याकालीन आरती होती है, माता जी का शयन हो गया, सारी चीज़ें व्यवस्थित, माता जी के बर्तन वगैरह सब अंदर करके सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सब ताले लग जाएंगे। दर्शनार्थी हैं, मंदिर का स्टाफ है, सभी उतर जाएंगे। एक के बाद एक मंदिर के सब दरवाजे बंद होते गए। मंदिर में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए और मंदिर के बाहर भी एक ताला लगा दिया गया। हमने इस मंदिर के चप्पे चप्पे को तलाश मारा है, हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका है और अब क्योंकि हमारे ऊपर भी दबाव बन रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं, तो वक्त आ गया है जब हम भी इस मंदिर से चले जाएंगे और जो रास्ता है जो अभी तक हमारी वजह से खुला हुआ है वो भी बंद हो जाएगा। हम लौटेंगे सुबह 4 बजे जब यहाँ पर आरती होती है और तब हम देखेंगे कि आखिर जो शयन में, जो उस गर्भगृह में
चीज़ें रखी गई थी, वहाँ क्या कोई ऐसा सबूत हमें मिलेगा कि आला यहाँ आए थे, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी साबित होगी? आप रहिए हमारे साथ और देखिए। इंतजार अगली सुबह का था, और सुबह हमें जो कुछ भी दिखाई दिया उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आधी हकीकत आधा फसाना, क्या आल्हा आज भी जिंदा है या वो कहानियां सिर्फ सदियों पुरानी एक अफवाह है? मैहर देवी के मंदिर में अगली सुबह 900 साल पुराना रहस्य सुलझने वाला था। हालांकि पहले दिन हमें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन अगली सुबह हमारी टीम फिर मंदिर में पहुंची। मंदिर के ताले हमारी आंखों के सामने खुले और जो तस्वीर दिखाई दी उसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मंदिर के दरवाजे पर सैकड़ों की भीड़ जुटी थी। दरबार के कपाट खुलते ही 900 साल पुराने उस रहस्य का खुलासा भी होने वाला था, और हम भी तय वक्त पर वहां पहुंच चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो वक्त आ गया है जब हम आपको इस मंदिर की आला से जुड़ी कहानी की हकीकत आपके सामने लेकर आएंगे। ये वक्त है पहली आरती का, वो वक्त जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, गर्भगृह के पट खोले जाते हैं, और तब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हमें मंदिर में क्या मिलता है। आइए। मंदिर के पुजारी सुमित महाराज ने अपने हाथों से दरबार का पहला ताला खोला। देवी देवताओं का जलाभिषेक किया गया। और अब बारी थी दरबार के गर्भगृह को खोलने। आपने खुद अपने हाथों से बंद किया था जी, हाँ जी। तो अब आप खोल रहे हैं, चमत्कार का पूरी अनुरूपा है। बिल्कुल, अनुभूति तो हमें तो बहुत प्राप्त हुई है, और आज इस चैनल द्वारा और सारी माँ शारदा के भक्तों को उम्मीद करूँगा कि आपके माध्यम से आल्हा के चमत्कार को सभी लोगों को दर्शन का अनुभूति प्राप्त हो। बातों बातों में ये ताला भी खुल गया। और अब आखिरी ताला खुलने वाला था। लेकिन वो दरवाजा खुला तो जैसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमें कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसका हमारे पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। मंदिर के पुजारी देवी की सेज पर सिलवटों का दावा कर रहे थे। हमें वो फूल दिखाया जा रहा था जो रात को वहां नहीं था, लेकिन अब देवी के चरणों में था। इतना ही नहीं, हमें देवी के दरबार में पानी भी दिखाया गया, और ये दावा किया गया कि ताला खुलने से पहले ही आल्हा देवी को पहला स्नान करा चुके हैं। मंदिर को सूखा मंदिर रहता रात को, ये गीलापन देख रहे हैं आप, इससे अनुभूति होती है कि आल्हा आते हैं। ये देखिए, तो पानी कहाँ से आया? हो सकता है वही स्नान करा गए, और सारा रात को पूरी सफाई हो जाती है इसकी, पूरी सफाई हो के ही मंदिर बंद होता है। जैसे आपने रात की तो बंद किया होगा, देखा होगा बिल्कुल जाए है, पंखा चल रहा है, पानी स्टोर होने को कोई सामान नहीं। हाँ, रात को अगर कुछ पानी रहेगा भी तो रात दोनों सूख जाता है। और ये कुछ फूल आप देख रहे हैं, तो इससे गुड़हल का फूल माता जी को चढ़ता है, तो गुड़हल का फूल माई की चरणों में रखता है। रात को पूरी सफाई होकर ही माता जी का शयन होता है। जब शाम को श्रृंगार होता है तो माता जी का श्रृंगार हल्का हो जाता है, छोटा सा मुकुट और एक माला, बस देख रहे हैं आप, एक माला बस पहनाया जाता है और पूरा सफाई होती है। ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जो दिखाई दे रहा था वो सामने है। चमत्कार के इस दावे के बीच देवी की आरती शुरू हो गई।
कुछ सवाल अब भी थे जिनका जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन वहां मौजूद लोग उन सवालों को आस्था की नजर से देखते हैं। बेशक विज्ञान के नजरिए से देखें तो इनके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी आस्था के सामने विज्ञान के तर्क को आजमाना भी जायज नहीं था।